इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपने HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है और नया मोबाइल नंबर अपने HDFC अकाउंट में अपडेट करना चाहते हो बिना बैंक गए HDFC ATM से ही अपने नए मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हो अपने HDFC बैंक अकाउंट में। तो प्रोसेस क्या है मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो सारे स्टेप्स आपको ध्यान से देखना है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना HDFC ATM कार्ड लेकर किसी भी HDFC ATM मशीन में आना है। उसके बाद अपने ATM कार्ड को इस तरह से ATM मशीन में इंसर्ट करना है और उसके बाद ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम टेकन होगा तो आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद स्क्रीन पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अदर ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को चूज करना है। फिर उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, मेन मेन्यू सेट योर पिन, तो यहाँ पे आपको मेन मेन्यू वाले ऑप्शन को चूज करना है। फिर आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शन दिखेगा जिसमें कि यहाँ पे आपको एक अपडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का भी एक ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद आप जो भी अपने HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना नया मोबाइल नंबर फिल करके आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे चूज करना है। उसके बाद आपको री एंटर में सेम न्यू मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन को चूज कर देना है। फिर उसके बाद इस ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए आपको अपने HDFC ATM कार्ड का 4 डिजिट का ATM पिन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि 4 डिजिट का होता है। सिंपली आपको यहाँ पे वही ATM पिन नंबर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस में टाइम टेकन होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना है। कुछ ही सेकेंड्स में आपका जो मोबाइल नंबर का अपडेट होगा वो रिक्वेस्ट हो जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पे एक रिसिप्ट भी मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज भी दिखेगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, योर मोबाइल नंबर विल बी अपडेटेड विद इन 2 वर्किंग डेज फॉर योर अकाउंट। मतलब कि आपने अपने HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर के लिए जो अपडेट का रिक्वेस्ट किया है यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि 2 दिन के अंदर आपके HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका नया मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है तो आपको मैसेज के द्वारा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो इस इजी सिंपल तरीके से आप अपने HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। आई होप सो कि मैंने आपको वीडियो में जो भी स्टेप्स बताया HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट कैसे किया जाता है वो सारे स्टेप्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। या अगर आपको अपने HDFC अकाउंट में नया मोबाइल नंबर अपडेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। HDFC या फिर किसी भी तरह का आपके पास कोई भी क्वेरीज को डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।